पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम समीर जी के पास में आए हैं जो मेनली जो इनका बटर का काम है, जो जापानी कॉइल या फिर जापानी बटर बोला जाता है, जिसको हमारे लैंग्वेज में लावा भी बोला जाता है, उनकी ये पिछले 3 से लेकर 4 सालों से कंटिन्यू फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में समीर जी की तरफ से आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि लावा की पोल्ट्री फार्मिंग करते समय आपको कितना मुनाफा हो सकता है, बच्चे की कॉस्टिंग क्या आती है, उसको ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है, और कितने महीने का टर्नओवर है, ठीक है, इस तरीके की पूरी मालूम आपको समीर जी की तरफ से मिलने वाली है। इनके फार्म का नाम है ताज बटर पोल्ट्री फार्म और समीर जी भी यूट्यूब पर अपने चैनल प्रमोट करते हैं, अपना चैनल पर काम करते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी बटर के रिगार्डिंग अप टू डेटेड देते रहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना है बटर में, जापानी कॉइल में अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना है तो उनके चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक पर जाकर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कॉइल फार्मिंग करने के लिए कौन सी बातें जरूरी होती है इसकी पूरी की पूरी मालूम मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन समीर जी का करा देता हूँ। नमस्कार। तो हमारी जो पहचान है वो पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू चल रही है, मैं भी पोल्ट्री फार्म में काम मेजोरिटीली करता हूँ, तो समीर जी बटर में मेजोरिटी काम करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने फार्म का नाम बता दीजिए व्यूअर्स को। जी, मेरा ताज बटर पालन के नाम से है, ताज पोल्ट्री के भी नाम से मैं जाना जाता हूँ और यूट्यूब का भी चैनल है मेरा। जी, मेरा जो ये फार्म है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजूगा तालुके में आरवी गांव है, उस आरवी गांव में मेरा फार्म है बटेर का, स्पेशल मैं बटेर में ही काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो है हमारे पास हैचरी भी है, हम यूजा भी सप्लाई करते हैं और जो नए फार्मर है, जो फार्मर को ब्रीडिंग करते नहीं आता बराबर, तो हम उनको क्या 10 दिन का 12 दिन का 20 दिन का जैसी उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ, जैसा वो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो हिसाब से हम तैयार करके देते हैं। जब भी हमारे पास बड़ा बटेर भी रहता तो हम उसको रिटेल भी सेल करते हैं, होलसेल में भी सेल करते हैं, जैसा ढाबे हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, चिकन सेंटर हो गए, उनको भी हम सप्लाई करते हैं। जैसा चिक भी है हमारे पास, वन डे का भी चिक जाता है या 10 दिन का 15 दिन का जैसा भी रिक्वायरमेंट रही मार्केट में जैसा भी कस्टमर की, फार्मर की, या तो नया फार्मर अगर शुरू करना चाहता है अपना काम, तो हम उनको एक दिन की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, संडे को देते हैं। अच्छा। तो ये कोरोना के पहले तो हमारे पास 10-15 की बैच चला थी, 10-15 हज़ार की बैच जी। तो कोरोना के बाद से क्या है, फिर हमने ऑनलाइन भी ट्रेनिंग चालू कर दी है। जी, समझ गया। जी जी जी, ऑनलाइन भी ज़्यादातर काम कर रहे हैं अभी, जैसा दूर दूर से रहते हैं, जी जी जी, मुंबई से हो गया, दूसरे स्टेट से हो गया, तो हम हमारे प्लेस पे नहीं बुलाते, उन्हें ऑनलाइन कर देते, जैसा कि पास वाले जो रहते उनको हम ऑनलाइन दे रहे हैं अभी भी। अच्छा। स्पॉट पे भी ट्रेनिंग चालू है, क्योंकि स्पॉट पे कैसा है, पहले जैसा क्वान्टिटी में नहीं देते, बहुत कम, एक दो बंदों को स्पॉट पे लेते। समझ गया। तो सबसे पहले अगर आपको कॉइल फार्मिंग या फिर बटर फार्मिंग क्या है तो इसके बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं वीडियो में ये जो जापानी कॉइल या फिर जापानी बटर कैसे दिखते हैं पहले वो उनसे मैं रूबरू करा देता हूँ, बाकी के डिटेल बाद में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो वीडियो में आप देख पा रहे हो ये इनके पेरेंट स्टॉक के बटर है, ठीक है, तो जो इसे आप वीडियो में देख पा रहे हो ये पूरी तरह से ये पेरेंट स्टॉक का बटर है, यहाँ से ये लोग अंडे का प्रोडक्शन लेते हैं। अंडे का प्रोडक्शन लेने के बाद इसी अंडे को ये हैचरी में सेट करके इनके तरफ से इसी अंडों से हैचिंग करा के बच्चे निकालते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आप देख पा रहे हो ये पूरे के पूरे इनके हैचिंग का स्टॉक है। सबसे पहले समीर जी हमें ये बता दीजिए, वीडियो चालू रखिए, ये कितने पेरेंट स्टॉक का पूरे का पूरा आपका क्वान्टिटी में बताइए। 1000 होते रहते, कभी कभी जो बटर एक आधी बटर बीमार हो जाता है, एक आधी बटर नहीं क्या, बराबर बराबर, इसमें से संग बीमार होता है, रहता है, तो हम उनमें
दिखा दीजिए कि अंडे किस तरीके से दिखते हैं। एक बार व्यूअर्स यहाँ पर इनके टोकरी में भी एक बार फोकस कर लीजिए और अंडों को भी रूबरू करवा लीजिए। यहाँ पर टोकरी में जैसे कि आप व्यूअर्स देख पा रहे हो, ये बटर के अंडे हैं। हालांकि ये मुर्गी के अंडे से छोटा होता है, छोटा रहता है, मुर्गी के अंडे से बहुत साइज छोटा रहता है। ज़्यादातर अगर आपको बटर का अंडा देखना होगा तो ऐसा आप समझ के चल सकते हो कि जो मुर्गी का अंडा इससे ढाई गुना बड़ा होता है। ठीक है, ये पेरेंट्स का है, ये फीमेल है। जी जी, इसकी इसकी जो नाभी है 5-6 महीने की पुरानी है, इसलिए इसका साइज जो है अभी 350 ग्राम तक है इसका। अच्छा अच्छा, तो अभी समर में अभी लूज हो गया है थोड़ा सा, विंटर में और रेनी में थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, 370 ग्राम 350 ग्राम तक मैक्सिमम इसका वेट जाता है। समझ गया। मगर हम मार्केट में जो है सिर्फ 150 ग्राम का ही बटर बेचते हैं, ताकि फीड कॉस्टिंग के हिसाब से हमको पुराना चाहिए वो हिसाब। चलिए, अभी तो बहुत सारे न्यू व्यूअर्स भी हमारी अभी ये वीडियो देख रहे होंगे जी, तो इनिशियल स्टेज से हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि बटर की अगर पोल्ट्री फार्मिंग वो करना चाहता है तो शुरुआती दौर में उसको बच्चे की क्या कॉस्टिंग आती है ये बता दीजिए, उसके बाद हम उसकी फीड कॉस्ट की तरफ जाएंगे। बटेर का काम जो है मिनिमम कॉस्टिंग में है, कम से कम में चालू कर सकते हैं। समझो कि हम 5-6 से भी चालू कर रहे हैं, तो अभी आज की डेट में मैं जो है 12 रुपए के हिसाब से चिक बेच रहा हूँ। 12 रुपए के हिसाब से का पहले जो था हमारे पास 10 रुपए का था। अभी लॉकडाउन के बाद में जो है जो कॉस्टिंग बढ़ी है सारी चीजों की, ईंधन की हो गई, बाकी सारे महंगाई बढ़ने के हिसाब से हमने 12 रुपए का कर दिए है। समझो उसको 500 चिक भी चाहिए तो उसको 6000 में 500 चिक मिलेगा। और दूसरी बात कैसा है, 500 के लिए सिर्फ 2 क्विंटल फीड कॉस्टिंग आ रही है इसको एक महीने की। तो उसमें पहले 8-10 दिन तक प्री स्टार्टर फीड लगाने का रहता, बाद में स्टार्टर रहता, बाद में भी माल बेचने तक के स्टार्टर चलाने का स्टार्टर रहता। अगर वो बंदा फार्मर अगर अंडे के लिए लेके जा रहा है तो उसकी फिर दूसरी फीड रहती है, लेयर फीड, लेयर फीड अलग से आती है। अगर उसको एक प्रोडक्शन अगर नहीं करना है तो सिर्फ बेचने के लिए मीट प्रोडक्शन के लिए ही चाहिए, तो एक महीने के अंदर में अपनी एक बैच निकाल रखा है। यहाँ पर जैसे कि फीड की बात कर रही है तो बटर के लिए सेपरेटली अगर मार्केट में कोई बटर का फीड आता है या फिर मुर्गी दाना चल जाता है, मुर्गी दाना ही चलता है। अच्छा, सेपरेटली कोई पॉइंट फार्मिंग का दाना किसी से लेने की जरूरत नहीं, या फिर मार्केट में पोल्ट्री दाना एकदम बेस्ट रहेगा। पोल्ट्री दाना बेस्ट रहता आता है कुछ के यहाँ पे, जैसा कोयल फार्मिंग का एकदम ज़्यादा काम आते हैं समझो, जैसा तेलंगाना में तमिलनाडु में, वहाँ पे शायद ही कुछ कंपनी बनाते होंगी, मगर अपने महाराष्ट्र में जो है हम मुर्गी दाना ही यूज़ करते हैं। मुर्गी ही दाना ज़्यादातर इसका अच्छा पिकअप आता है, ग्रोथ अच्छी बन जाती है, 25-30 दिन में अच्छी ग्रोथ। ठीक है, तो अभी दिवस को हमारे ये बता दीजिए कि जैसे कि आपने बोला कि 11 रुपये से लेकर 13 रुपये के बीच में फ्लक्चुएशन है आपके बटर के चीज़ की बनने और की, तो मार्केट में अगर उसको बेचना है तो ओवरऑल दाने का खर्चा पकड़ के पहले तो बात, एक बटर कितने ग्राम के आसपास में दाना खाता है, उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होती है, और मार्केट में उसको कितना रुपये में सेल करके कितना रुपये कमा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। अपने को बटर जो एक महीने का बटर 25-30 दिन के अंदर में जो है 25 रुपये से 27 रुपये 30 रुपये में माल तैयार हो जाता है। 30 रुपये के आसपास में उसको कितनी कॉस्टिंग आ जाती है, मेडिसिन, वैक्सीन, दाना। तो ज़्यादातर कैसा है 90% मेडिसिन यूज इस्तेमाल नहीं होती, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप ब्रीडिंग में अपने तरफ से अगर मल्टीविटामिन वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं। आप बोर्ड का पानी भी लगाओ और उसे 10 दिन के ब्रीडिंग करो, बाद में उसको सादा पर दूसरी चीज उठा कर खिलाओ, तो अपने आप ही सादे पानी से ही बड़ा हो जाता है। आपका रख रखाव अगर अच्छा है, अच्छा है, तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग के तौर पर ब्रीडिंग के एरिया में थोड़ी सी ध्यान बटर से ज़्यादा करना पड़ता है, साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन बटर को एज कम्पेयर टू पोल्ट्री से बहुत ही कम लगती है, नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर होता है। हाँ, तो ये अच्छा है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कुछ ये डोजेस इनको इतने दिन चलाना है, ये डोज इसमें 10 दिन चलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सादे पानी पे भी, साफ सुथरे पानी पे भी अगर इनको दाना अगर सही वक्त पर दे रहे हैं तो अपने आप ये 30 दिन में अपना जो 1 दिन करना है 150 ग्राम का 170 ग्राम का 25-30 रुपये में अपनी कॉस्टिंग आ जाती है। मार्केट में आप कम से कम भी 60 रुपये में मार्केट में रिटेल में जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ओवरऑल उसका जो भी खाने का खर्चा है और उसके बच्चे की कीमत है वो थोड़ा बहुत महंगे का खर्चा पकड़ के 30 रुपये में अपना बच्चा जो है 170 ग्राम के आसपास में बन जाता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों भी। और मार्केट में अगर रिटेल में आप उसको बेचना चाहते हो तो आप उसको 60 रुपये बड़ी आसानी से बेच सकते हो। ठीक है,
तो ऐसे में अगर 1000 कोई बटन अगर पालता है तो उसके 30 रुपए के आसपास में प्रॉफिट मार्जिन निकल जाती है। हाँ, 30 रुपए, 50% का मार्जिन आराम से उसमें कवर रहता है। कुछ कुछ एरिया में ज़्यादा भी रहता है, जैसा नागपुर के इलाके में है, कुछ वर्धा के इलाके में है, वहाँ पर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। वो लोग क्या है, 60 रुपये की जगह 80 रुपये 90 रुपये पर एक बटन के हिसाब से बेचते हो। तो हम अलग अलग जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसा हमारे पास भी ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रिटेल में कम से कम दाम में बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो 160 से लेकर 170 ग्राम इसका सेलिंग के लिए वजन होना जरूरी होता है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि 160 से लेकर 170 ग्राम या 150 ग्राम होने के लिए तकरीबन ये जो जापानी बटर है कितना दिन का टाइम ले लेता है? 25 से 30 दिन का टाइम। 25 से 30 दिनों में ये बेचने का क्या हो जाता है? 25 से 30 दिनों में दोस्तों ये जो बटर है, जापानी बटर है, जो इनके तरफ से आपको 1/6 मिल जाएगा, डिस्प्ले का आपको इनका नंबर दिख रहा होगा, ये बटर आपको 25 से 30 दिनों में 160-170 ग्राम का बन जाएगा। और जो मार्केट में आप बड़ी आसानी से रिटेल में 60 रुपये में बेच सकते हो, जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 30 रुपये की है। 30 रुपये लगाकर 30 रुपये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन, मतलब इसको अगर बिजनेस लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो 100% मार्जिन होती है। मतलब 100 रुपये की कॉस्टिंग लगा के 100 रुपये जब हम कमाते हैं तो उसको बोला जाता है 100% मार्जिन। तो इतना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पोल्ट्री में भी नहीं है। दूसरी बात, पोल्ट्री में इससे 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है, 3 महीने का टर्नओवर है देसी मुर्गियों में, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और मैनेजमेंट भी ज़्यादा है। तो अगर आप बटेर फार्मिंग करना चाहते हो पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ, तो पोल्ट्री फार्मिंग के साथ साथ आप बटेर रखकर एक अच्छी इनकम कर सकते हो। तो सबसे पहला, अगर जैसे कि आपने ब्रूडिंग की तरफ कुछ बातें बोली थी, तो हमारे व्यूअर्स को अगर आपके पास बटेर ब्रूडिंग का कुछ सेटअप होगा तो हमारे व्यूअर्स को वो भी दिखा दीजिए। ब्रूडिंग का सेटअप जी, ये ब्रूडिंग में ही है पूरे, ये ब्रोडिंग में ही है, इनके ब्रोडिंग अभी हो चुकी है इसलिए लाइट हमने बंद रखे है दिन में। समझ गया। हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ। सा गर्म के हिसाब से उनको बाहर नहीं निकाले अभी। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो है ये अभी 17-18 दिन का चीक है ये। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। ये दूसरा है, ये 12-13 दिन का ऐसा है। समझ गया, ये टेम्परेचर के वजह से बाल थोड़ा सा इसके गीला गीला हो गया है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। थोड़ा ब्रूडिंग में भी हम कैसा है, बटेर को जो है 35 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा कैसा बाल उनके बर्न हो जाते थोड़े से। जी 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 जी, मगर वो कैसा 10 से 15 दिन में आगे के 10 से 15 दिन में जो है बाल जैसे थे ओरिजिनलिटी उसको आ जाती है। मगर हम टेम्परेचर अगर कम रखते हैं तो मोर्टेलिटी निकलने के कहीं ना कहीं चांसेस रहते। समझ गया। इसलिए हम मेंटेन करते हैं टेम्परेचर। जी जी जी, तो ये पूरा मेरा ऊपर में है, ये टेबल जैसा है पूरा ब्रूडिंग का एरिया। पहले हम नीचे करते थे, तो अभी जो ये आपने नया सेटअप बनाया, नया सेटअप है मेरा, एक साल डेढ़ साल हो गया इसको सेटअप को। यहाँ पे मैनुअली ड्रिंकर रहता है और जी, 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 फीडर जी। के लिए हम प्लेट यूज करते हैं, जैसे ये बड़े हो गए इसलिए फीडर लगाए, नहीं तो जनरली प्लेट में ही लगाते हम। हाँ, प्लेट में ही फीड लगाते, मैनुअल ड्रिंक कर रहे थे। समझ गया। जैसे कि व्यूअर्स आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, यहाँ पर बटेर के लिए यहाँ पर 6-6 दिनों के गैपिंग पर इनके पास अलग अलग एज डिस्ट्रीब्यूशन के लावे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोल्ट्री के लिए ड्रिंकर इस्तेमाल करा जाता है, जिसके आप वीडियो में देख पा रहे हो, वही ड्रिंकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बटेर का साइज पोल्ट्री से छोटा होने के कारण ये पानी के बर्तन में डूबे ना, इसके लिए वहाँ पर कंची, कांच की या फिर ये इस तरीके की गिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नए फार्मर्स के लिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सामने में निकल के जी जी आती है। यहाँ पर एक बार भी उसको ये भी बता दीजिए, जैसे कि आप वीडियो में ये देख पा रहे हो, यहाँ पर ये सेंसर या फिर ऑटोमेटिक किट यहाँ पर बैठाई हुई है, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से आप कर रहे हो और ये किट का इस्तेमाल करने से नए फार्मर्स को क्या फायदा हो सकता है? इसका कैसा है, अभी हर बार कैसा हम तो ज़्यादातर वक्त है ना फार्म में अवेलेबल नहीं रहते। जी जी, तो जी अभी जी। समर का टाइम रहने से कैसा है, ओवर टेम्परेचर चला जाता है। ओवर टेम्परेचर के वजह से कैसा मोर्टेलिटी निकल सकती है बर्ड्स की आराम से। इस वजह से हम इसको कंट्रोल करके रखे है। अभी इसके ऊपर जो है इधर के है, छोटा साइज रहने की वजह से इधर के बल्ब डाले है कनेक्शन। अभी जी, जो 36 डिग्री है तो ये बंद हो गया, अभी बंद हो गया उसके लिए। 35 डिग्री के जैसा डाउन में आएगा वो ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएगा, तो उससे कैसा अपने को टेम्परेचर कंट्रोल करने में अच्छी खासी मदद मिल जाती। अच्छा अच्छा, मोर्टेलिटी बहुत कम होती नहीं, मतलब जो जैसे कि पोल्ट्री हो या फिर बटेर हो, जो ब्रूडिंग का फेज होता है उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके ग्रोथ के लिए। तो ऐसे में जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चिक्स को
इनिशियल स्टेज पे चाहिए उतना टेम्परेचर अगर हमने इसको सेट करके रख दिया तो हमारी जो भी एक मैनेजमेंट की एक कुछ गलती होने के चांसेस रहते हैं टेम्परेचर ज्यादा होने की या फिर टेम्परेचर कम होने की, उसको हम डायरेक्टली निग्लेजिबल कर सकते हैं। तो नए व्यूअर्स अगर आप हो तो इस तरीके की जो 1209 की किट आती है या फिर इस तरीके की कुछ किट आती है या फिर एसटीसी 1000 की किट आती है, इस सभी प्रकार का आर्टिफिशियल सर्किटिंग का किट का आप इस्तेमाल करके आप ब्रूडिंग के जो भी एक मैनेजमेंट होता है उसको एकदम आसान कर सकते हो। समर में ज्यादातर दिक्कत है, समर और विंटर में टेम्परेचर की बहुत दिक्कत है। बारिश में कैसा है एक फ्लक्चुएट 2-4 degrees आगे पीछे चलता है टेम्परेचर, मगर कैसा समर में कैसा है अभी आफ्टरनून दोपहर के समय पे अप हो जाता है और रात के समय पे बहुत सारा डाउन हो जाता है। उसमें फिर हम कैसा हर वक्त में बल्ब को कम ज्यादा करो या निकालो, ऊपर उठाओ नीचे उठाओ, ये सारी चीजें आसान हो जाती है। टेम्परेचर कंट्रोलर जो है अपने आप वो काम करता है ऑटोमेटिक। तो जैसे कि ये आपने जो सेटअप दिखाया है इसके नीचे में मैं कुछ कार्टून्स वगैरह देख पा रहा हूँ, तो ये कार्टून्स का आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हो वो भी एक बार इस व्यूअर्स को बता दीजिए। कार्टून का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? ये वनडे चिक है, इसमें एक एक बॉक्स में 250 चिक सप्लाई होते हैं उधर। अच्छा। बाहर के लिए वनडे का चिक रहा जी, तो जी, अगर उससे बड़ा अगर बड़े अगर लेना है जैसा किसी को 12-15 दिन के लेना है तो उसमें 100 चिक आते हैं, वनडे के जो 250 चिक आते हैं। जी 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 जी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, उसमें हवादार रहता है, उसमें मोर्टेलिटी नहीं के बराबर रहती है। जी 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 ऐसा जी, उसमें नीचे घास वगैरह डाल के नरम करके अगर कोई कस्टमर मतलब इसमें जिस तरीके से आप पैकिंग कराते हो अगर किसी कारण के वजह से अगर कोई कस्टमर बहुत ही आपके एरिया से दूर है तो ऐसे में भी उसको कार्टिंग कराने के लिए ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती? नहीं 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 आती, वो साधारण ट्रांसपोर्ट में बस में हो गया या बाइक पे भी हो गया जी, जी, वो आराम से लेके जा सकते हैं। जैसा वनडे के चिक अगर 500 भी चाहिए किसी फार्मर को तो अपने बाइक पे भी लेके जा सकता है। ऐसा ज्यादातर लगेज के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसका। तो ओवरऑल दोस्तों अभी तक के जो हमने वीडियो में जानकारी ली है अभी आपको, तो ओवरऑल जो मीट पर्पज के लिए बटर पाला जाता है उसकी पूरी की पूरी मालूम अभी तक की वीडियो में आपको मिल गई। तो अभी हम बात करते हैं जो मेल और फीमेल अंडा प्रोडक्शन के लिए अगर आप बटर पालना चाहते हो तो उसका मैनेजमेंट किस हिसाब से होता है, उसको टोटल फीडिंग कितना लगता है, कितना फीडिंग देने के बाद कितने साइकिल में आपको कितने अंडे मिलते हैं, ठीक है, उसका हैचिंग रेशियो या फिर हैचिंग रिजल्ट कितना होता है, इसकी पूरी की पूरी मालूमत जो कि एक्सपीरियंस के बलबूते पर समीर जी आज हमें बताने वाले, थोड़ा सा डिटेल में इस विषय पर हमें बताइए। इसमें जो है देखिए अब ये सादा कलर है जो कि ज्यादातर अपने एरिया में महाराष्ट्र में ज्यादा चलता है। ये थोड़ा ब्राउन है ये वाला जी जी जी, ये कलर की ज्यादा डिमांड नहीं रहती, लोग पसंद नहीं करते इसको लेने में, ये सादा नहीं होता। और इसमें व्हाइट कलर का भी आता है जो अपने पास नहीं है। बराबर। इसमें 3 कलर आते हैं जापानीज बटर में जी, और इसमें ये जो है ये 30 दिन में तो अपने को 150 ग्राम 200 ग्राम का आता है, ठीक है, मगर अंडा एक प्रोडक्शन वहाँ से चालू नहीं होता, इनके अडल्ट जो होते हैं ये मेल फीमेल जी, तो ये जो है 50 दिन के बाद देखा गया है ऐसा अडल्ट। अच्छा। विंटर में कम लेट होते हैं और समर में जल्दी मैच्योरिटी डेट पे आ जाते हैं जी जी जी, तो इसका प्रोडक्शन जो है अपने को 50 दिन के बाद में एक प्रोडक्शन शुरू हो जाता है जी, मगर जी। कम मिनिमम उसमें क्या शर्त है कि 225 ग्राम के ऊपर वजन होना चाहिए, कंपल्सरी है। अगर अंडा अगर क्वालिटी निकालना है तो अपने को 250 ग्राम तक उसको लेके जाना पड़ता है जी। 1/3 इसमें मेल फीमेल के हिसाब से रेशो रखते हैं अपन, जैसा 300 फीमेल है तो 100 मेल ये हिसाब से रेशो मेंटेन करते हैं और उनको खुला रखते हैं, जैसा बेचने के हिसाब से अपन ज्यादातर कम जगह में ज्यादा बर्ड डाल सकते हैं, मगर पेरेंट स्टॉक अगर मेंटेन करना है तो खुला रखना पड़ेगा ताकि उनका एक फ्रीडम उनको मिले जी, वो हिसाब से एक प्रोडक्शन अपना अच्छा हो। तो 50 दिन के बाद अगर शुरू हो जाता है धीरे धीरे जैसा 10-20% से एक प्रोडक्शन शुरू होते हैं, वो 60-65 दिन के बाद में 100% पे आ जाते हैं पूरे फीमेल्स अंडे पे आ जाते हैं। तो यहाँ से लेके अपने को आगे के समझो पहले के 3 महीने तक अपना ये जो शुरुआती एरिया छोड़ने के बाद शुरुआती टाइम छोड़ने के बाद वहाँ से हम 7 महीने तक फिर से अपन एक प्रोडक्शन ले सकते हैं उनके तरफ। मतलब अगर हम पकड़ के चले 60 दिन में अगर इसकी मैच्योरिटी अगर हम राउंड फिगर में पकड़ते भी हैं तो उसके आगे के अगर राउंड फिगर में 6 महीने पकड़ते हैं तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ स्पैन जो हम हमारे बिजनेस पर्पज के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम 8 महीना कंसीडर कर सकते हैं। साल में जो है 200 अंडा एक फीमेल देती है अपने। अच्छा, तो जो हम अगर मैच्योरिटी स्टेज पर जो 55 से लेकर 60 दिन पकड़ रहे हैं, हालांकि तो वो अंडा तो 45-40 दिन से कभी कभार ये मतलब 5-10% देना चालू कर देती है, लेकिन वो छोड़ दीजिए 60 दिन अगर हम कंसीडर करते हैं और आगे के उसको 7 महीने तक के हम उसका अंडे का प्रोडक्शन लेते हैं तो कितना बोले आपने 7 महीने में अंडा 200 से लेकर 200 अंडे आराम से मिल जाते हैं बटेर के तरफ से मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं और से 2-3 चीजें रिपीट करा देता हूँ। तो जैसे कि समीर जी ने बताया
सात महीने के इंटरवल में, मतलब दो महीने का जो उसका मैच्योरिटी टेस्ट क्रॉस ओवर करने के बाद, आपको तकरीबन 170 से लेकर 200 अंडे आपके मैनेजमेंट के हिसाब से और आपके फीड के क्वालिटी के हिसाब से अंडे का प्रोडक्शन 170 से 200 में फ्लक्चुएशन होगा। दूसरी बात, बटेर आपकी 41-42 दिन से भी अंडा चालू कर देगी, लेकिन क्वालिटी वाले अच्छे साइज के अंडे अगर आपको चाहिए तो ऐसे में दो बातें रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको आपके बटेर को मैच्योर होने देना है मिनिमम 55 से लेकर 60 दिन का, और उसका बॉडी वेट मिनिमम होना चाहिए 210 से लेकर 220 ग्राम। ये तीन चीज़ें बहुत ही बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर कोई हमारे नए फार्मर बटेर फार्मिंग पैरेंट टॉपिक करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर और कोई ऐसी एडिशनल चीज़ें जो हमारे से छूट गई है वो आप कुछ और बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, पहले अगर पैरेंट स्टॉक उनको मेंटेन करना है तो सबसे पहले उनको कैसा है, चिक से लेके पहले एक दो बैच उनको निकालना बहुत जरूरी है जी, जी, ताकि जी। उनके फीलिंग्स और उनको समझ सके कि क्या कौन सी चीज की किस वक्त पे जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि पैरेंट स्टॉक में कैसा अपना ज्यादातर बर्ड में ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता और फीड कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साधारण 150 ग्राम का बटेर अपने को बेचने के लिए करना है तो 20-25 ग्राम डेली की फीड लगेंगी एक बटेर के हिसाब से। मगर अगर प्रोडक्शन वाला अगर बटेर है तो वहाँ पे सीधा 40-45 ग्राम की फीड पर डे जाती है, क्योंकि वो अंडा उतना क्वालिटी का दे सके ना सके। बराबर, तो फीड में अपन पीछे नहीं हट सकते, फीड हर सारी चीजें अच्छी से प्रोवाइड करना पड़ेगा जी जी जी। तो उसमें कैसा एक बार अगर एक दो बैच निकाल लेते हैं तो वो पैरेंट स्टॉक अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे फिर जी, और जी। हमेशा आप लोग को एक जैसी क्वालिटी की फीड यूज करना है इस्तेमाल, बार बार हम कैसा है कभी अलग ऐसा नहीं कर सकते जी, जी। उनको जो है मेंटेन करके चलना है तो उनकी सेहत अच्छी रखना ये अपना पहला ध्यान रहेगा जी। तो दोस्तों जैसे कि ये बात भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है, अगर आप पैरेंट स्टॉक या फिर अंडर प्रोडक्शन बटर से लेना चाहते हो तो जो लेइंग के लिए जो भी कंपनी का आप लेयर फीड इस्तेमाल करते हो, चाहे फिर वो न्यूट्रीकॉप कंपनी का हो, रुमा फीड का हो या फिर गोदरेज का हो, आपके एरिया में भी मिलने वाला कोई भी फीड का इस्तेमाल जब करते हो तो इनके कहने के मुकाबले स्टार्ट टू एंड आपको एक ही कंपनी का फीड इसीलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि हर एक कंपनी का फीड वाले कंपनी का फीड फॉर्मुलेशन अलग अलग होता है और फीड फॉर्मुलेशन में चेंज होने की वजह से जब कंपनी का फीड चेंज होता है ऐसे में बटेर उसके टोटल प्रोडक्शन जो आपका डेली का देता था वो एक प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा। कभी कभार तो आपका 10-10 दिनों तक के पुराना एक वापस आने के लिए भी टाइम चला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ फार्मर मेरे मुझे कॉल भी आते हैं जी जी, तो उनका कैसा रहता है समझो, अभी अब अच्छी फीड तो इस्तेमाल करें, कुछ वक्त में ऐसा रहता है उनका समझो उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है या तो कभी कभी वो गलत समय पे गलत फीड वो मिक्स करना चाहते हैं, यानी कम फीड वो ज्यादा वक्त यूज करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपने घर की कोई भी चीज उसमें मिक्स मिला देते हैं। वहाँ पे क्या होता है उसके बटेर के जो है हेल्थ पे बहुत सारा डिपेंड अलग उसके हार्मोन्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो 200 अंडे निकलने के धीरे से वो 70-80 पे आ जाते हैं 8 दिन में। फिर वो क्या करते हैं जब उनका प्रोडक्शन अगर 30% पे आ गया तो वो क्या करते फिर अच्छी से कंपनी की फीड लगाते हैं, मगर ऐसे उसमें ये बात नहीं है कि आप अच्छी फीड लगाओ आज से और कल से आपको अच्छा अंडा ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है, फिर आपके 10-15 दिन वहाँ बेकार हो जाएंगे। उसकी हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है जी जी जी। जब फिर वो 10-15 दिन आपकी अच्छी फीड खाएंगे वो धीरे धीरे फिर अच्छे लेइंग पे आ जाएगा, वो प्रोडक्शन आपको जब कम्प्लीटली मिलेगा जी। तो हमारे जो चैनल पर व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे चैनल पर मैक टू मैक जो व्यूवर्स है 95% वो पोल्ट्री रिगार्डिंग है, तो सबसे पहले हमारे पोल्ट्री व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि पोल्ट्री के साथ साथ बटेर पालन उनको अगर साइड बाय साइड करना है तो पोल्ट्री के साथ साथ बटेर रखने के उनको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कितना इजी वो बटेर उनको जा सकते हैं, उनके 2-3 पॉइंट क्लियर उनको करा के दीजिए। देखिए आप पोल्ट्री के साथ में बटेर का भी जरूर कर सकते हैं, बटेर में सिर्फ एक ही काम है, जैसा पोल्ट्री का क्या काम रहता है बार बार हर दिन नया नया काम रहता है, नीचे का साफ करो देखो या लीटर साफ करते रहो, उनके ट्रीटमेंट करते रहो, दवाया डालते रहो, मगर बटेर में क्या है आप अगर 10 दिन की ब्रूडिंग अगर ध्यान दे के करते हो तो 10 दिन के बाद में समझो वो थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाता है, फीडर से फीड खाने लगता है और ऑटोमेटिक ड्रिंकर से पानी पीने लगता है तो उसके बाद में इसका कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ लीटर जो है एक बैच के लिए एक बार लीटर डाल दो 25-30 दिन में बड़ा हो जाएगा, बिकने के बाद आप लीटर साफ कर दो और नई बैच डाल दो। अच्छा जी नई के हिसाब से इसका मेंटेनेंस है, एक बार जब 10 दिन सिर्फ जो भी मेंटेनेंस है उसको 10 दिन का ही मेंटेनेंस है ब्रूडिंग के अंदर, उसके बाद में कोई मेंटेनेंस नहीं है, आप उनके तरफ ध्यान दो या तो मत दो फीड उनको सही वक्त पे दो और पानी साफ दो, वो ऑटोमेटिकली बड़ा होते जाएगा, बस बाद में उठा के आपको बेचना ही है जी।
और से एक हमारे नए व्यूअर्स को बता दीजिए, जब कभी भी कोई न्यू व्यूअर्स कोई नया स्ट्रक्चर या फिर नया बिजनेस करना चाहता है, जैसे कि हमारे चैनल पर के मैक्सिमम जैसे कि मैंने बोला 95 व्यूअर्स पोल्ट्री के रिगार्डिंग है, तो इनको ज़्यादातर बटरी फार्मिंग की नॉलेज नहीं है। ऐसे में जैसे कि मैं व्यूअर्स को पहले बता दूँ, समीर जी की खुद की हैचरी है, एक बार उनसे पूछ लेता हूँ आपकी टोटली कितने कैपेसिटी की हैचरी है और आप मंथली कितने बच्चे सोल्ड आउट करते हो या फिर कितने बच्चे आपके हैचरी से निकल आते हैं? मेरी तो 25 से 30 हज़ार की कैपेसिटी है उसकी हैचरी की, अलग है इंक्यूबेटर अलग है। जी, समर में हम कैसा बहुत कम प्रोडक्शन करते हैं, जी समझ गए, 3 से 4 हज़ार का प्रोडक्शन करते हैं, मगर जैसा जैसा अभी विंटर आते रहता है रेनी सीजन के बाद में हमारा प्रोडक्शन उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ जाते हैं और जो फार्मर को अगर जरूरत पड़ती तो हम ऑर्डर करके बुकिंग करके उनको सप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर दूर तक के भी अगर कोई दूर से भी अगर कोई पोल्ट्री फार्मर अगर ऑर्डर दे रहा है तो उसको पहुंचवा देते हैं। ट्रेन की फैसिलिटी है तो ट्रेन पार्सल करा देते हैं, या अगर ट्रेवल्स की बस की फैसिलिटी है तो हम बस से करा देते हैं, या पास में है 50-100 किलोमीटर में पास में कोई फार्मर है तो वो बाइक पे भी आके लेके जा सकता है। अच्छा, तो व्यूअर्स और से एक बार समय जिसको हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये कोई कंपनी में काम करने वाले आदमी या फिर मैनेजर वगैरह नहीं है, इनकी खुद की हैचरी है, आने वाले पास से लेकर 10 मिनट में इनके हैचरी का भी मैं सेटअप बताने वाला हूँ। आज उनके समय जिसे ये खुद ऑनर है, उनसे पूछ लेते हैं कि नया नया पोल्ट्री फार्मर जब आपसे चिक्स लेता है या फिर किसी और हैचरी से चिक्स लेता है, पोल्ट्री का लेता है या फिर लावे का लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, नए पोल्ट्री फार्मर को पहली बैच निकालने तक एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ऐसे में बहुत सारे हैचरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनको बच्चा दे देती है, उसके बाद किसी भी प्रकार का गाइडेंस को प्रोवाइड नहीं कराती। तो नया पोल्ट्री फार्मर जब तक आप उनको एक बैच के लिए प्रॉपरली पूरी मालूम या फिर गाइडेंस नहीं देते हो, तब तक के एक नया पोल्ट्री फार्मर आगे में जाकर उस पोल्ट्री फार्म में सक्सेस नहीं होता। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए पोल्ट्री फार्मर का हमारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चनिंग है, अगर वो आपसे बटेर का चिक्स लेते हैं तो क्या आप उनको जब कभी भी उनको किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आती है तो क्या आप उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस करेंगे? जी हाँ, मेरे पास जो है हर महीने में एक अंदाजा लगा लो कि समर में तो 10 से 15 फार्मर जुड़ते हैं, विंटर में तो ज़्यादातर 50 से 60 फार्मर 100 फार्मर हर बार नए फार्मर जुड़ते हैं। जी, जी, और जो रेगुलर पुराने भी फार्मर है अगर उनको कोई अगर दिक्कत आती है सेलिंग की दिक्कत समझो उनके लिए मैं अगर डिमांड है, अगर मेरे को उधर से कॉल आता है कि भैया मुझे ये चाहिए, अगर मेरे कोई फार्मर के पास अवेलेबल है तो मैं कॉल तो उनको बता देता कि आप उनको इतना नंबर दे दो और ये प्राइस में आप जो भी है आप डिसाइड कर लो उसमें हम कमीशन वगैरह कुछ नहीं निकालते। समझ गया। और दूसरी बात, जब फार्मर आता है नया वाला, अगर वो पोल्ट्री फार्मर है या तो नया बंदा है वो नया काम शुरू करना चाहता है तो हम उन्हें एक दिन की ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं भी चाहिए तो भी उनको जो भी गाइडेंस चाहिए हम पूरी गाइडेंस दे देते हैं, और जहाँ पे जो भी फीड कहाँ मिलती है, कौन से प्रोडक्ट किधर मिलते हैं वो भी बता देते, और ब्रोडिंग कैसा करना मेरे सारे तो वीडियो है, फिर भी अगर वो लोकेशन पे आके पूछता है तो बंदा हम उनको वो भी सारी चीज़ें दे देंगे, और करते समय अगर बीच में दिक्कत आती है तो ऑन कॉल पे हम उनको सॉल्यूशन भी देते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट करना है, अगर इत्तेफाक से अगर बीमारी आ भी गई तो ट्रीटमेंट क्या करना है, सीजन के हिसाब से हैंडलिंग कैसा करना है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसा करना है, सारी चीज़ें हम उन्हें सारे समझा देते पहले। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों हैचरी के अलावा जो पेरेंट स्टॉक होता है या फिर मिड परपोज के लिए लावे को फर्स्ट डेज से लेकर लास्ट तक और उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, और उसका अंडों का कैलकुलेशन, यहाँ तक कि आपको बातें अभी क्लियर आउट हो गई है, सबसे पहले मैं इनके पूरे के पूरे ओवरऑल फार्म का लुकआउट आपको दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको इनके हैचरी का जो काम है वो प्रैक्टिकली इनके हैचरी पर जाकर दिखा लेता हूँ। के पहले हमने इनके पोल्ट यानी कि जो बटेर का फार्म है उसकी विजिटिंग की थी, अभी मैं आपको शॉर्ट में इनका जो हैचरी का काम है उसके बारे में अपडेशन दे देता हूँ समीर जी से। तो समीर जी, पहले हमारे व्यूअर्स को आपके जो हैचरी का काम है वो किस तरीके से है और उसकी रिगार्डिंग बेसिक चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। जी, ये जो अंडा है देख रहे हैं आप, आगे में ये जो देख रहे हैं ये फार्म से आता है, फार्म से आने के बाद इसकी स्टरलाइज करते हैं अंडे को स्टरलाइज करके साफ सफाई करके जो मशीन में डालने के बाद 18 दिन के बाद में जो है चिक निकलता है, वो चिक फिर जैसा वनडे का चिक चाहिए या डिमांड पे वनडे का चिक चाहिए तो
फार्मर को सप्लाई हो जाता है। अगर वन डे किसी को नहीं चाहिए तो हम फार्म पे डालकर उसे सेल आउट कर देते हैं बड़ा करके। जी जी, तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बटेर के इंक्यूबेशन का काम करना चाहता है तो उस रिगार्डिंग डिटेल वीडियो आने वाले 2 से 3 दिन में अपलोड समर्जी के थ्रू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बेसिकली ये चीज़ एक्सप्लेन करा के बताना चाहता हूँ कि बटेर के जब कभी भी आप चीज़ लेना चाहते हो तो ऐसे में बहुत सारे लोग खुद के हैचरी का काम नहीं करते हैं और दलाली खाने के चक्कर में ऑर्डर्स लेते हैं और बहुत सारे कस्टमर की तरफ से एडवांस पेमेंट लेने के बाद उनको चीज़ सप्लाई नहीं करते। तो इस तरीके का कोई भी काम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सत्य जी इस हैचरी के कुछ ऑनर है, जैसे कि आपको मैंने पूरे का पूरा इनका पोल्ट्री फार्म का सेटअप और इनके हैचरी का सेटअप बताया, तो आप इन पर एकदम आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो और इनके पास एकदम ही क्वालिटी वाले वीडियो जो चूजे होते हैं या फिर बटेर होता है वो मिलता है। एक बार इनके जो बटेर के चिक्स कितने क्वालिटी के वो भी एक बार चेकआउट करके आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले पे इनका नंबर शो हो रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल की लिंक है, समीर जी के चैनल का लिंक है। ये डिटेल में अप टू डेट रोज के वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको लावा फार्मिंग या फिर बटेर फार्मिंग करना इच्छुक हो तो सबसे पहले दिए गए नंबर पे आप इनके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आपके जो चिक्स है जो कि आपके हैचर में, वो एक बार हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हो जो हैचरी मशीन रहती है, यहाँ पर 2 प्रकार की सेटिंग रहती है। ये भी हैच में है। जी जी, ये इनका एक प्रकार से हैचर है, इनका एक बार हैचर दिखा दीजिए। ये आप जो वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, ये इनका हैचर मशीन है और जो पहले आपने वीडियो में देखा वो इनका सेटर मशीन है। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चों की क्वालिटी देख सकते हो, कितने एक्टिव बच्चे हैं, एकदम ही फ्रेश बच्चा और एकदम ही एक्टिव बच्चा, किसी भी प्रकार से सुस्त हुआ डैमेज या फिर बीमार बच्चा आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल। अभी ये अंडों से हैच हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप हैच हुए अंडे क्लियरली देख पा रहे हो। तो कंपनी से डायरेक्ट ऑनर के थ्रू विदाउट फ्रॉड और कम रेट में और एकदम ही फ्रेश अंडे आपको इनके तरफ मिल जाएंगे। ये देखिए, ये वाइट वाला है। ये भी बटेरी है। जी जी जी, ये वाइट वाला है, ये वाइट कलर में आता है। जी, ये वाला जो है ब्राउन होगा बड़ा होने के बाद। जी जी जी, ये वाला जो है ये जनरल कलर का होगा। जनरल कलर जो अपन जो फार्म पर देखे थे, ये कलर अलग होगा, ये इसका ब्राउन होगा। जी, ये व्हाइट कलर का होगा। जी जी जी, ये व्हाइट और ये ब्राउन क्या है, एक आधी बार यूनिक कलर निकल जाते हैं, मगर जनरली कैसा जो रेगुलर कलर रहता है वही चलता। जी 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 जी, तो अभी ये रात में हैच हुआ है। ये जी बस ये अभी थोड़ी ड्राई हो गया है, अभी ये शाम तक या कल सुबह में फार्मर को सप्लाई। तो ये मशीन आपकी सेटर की है और वो आगे की मशीन आपकी हैचिंग की है। ठीक है, आपसे कोई चीज लेना चाहता है तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ऐसे तो डिस्प्ले पे आपका नंबर शो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने ओर से एक बार अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नाम समीर है। जी, मेरा नंबर है 9730902753। जी, इस नंबर पे आप कभी भी फोन कर सकते हैं। जी जी जी, आपको जो है ऑर्डर बुक करा के करने के बाद में आपको जो डेट दी जाएगी जी, और रिमाइंड कॉल भी आएगा एक दिन पहले सप्लाई चिक सप्लाई होने के बाद। जी, पहले में तो आपको जैसा भी होता है आप आके भी लेके जा सकते हैं या तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है हमारे पास, जितना हो सके आपको नज़दीक तक प्रोवाइड करने की कोशिश हम तो करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख पा रहे हो हैचरी, जो मैंने डायरेक्टली आपको समीर जी के हैचरी का जो भी है लुकआउट आपको दिखाया, यहाँ पर किसी भी तरह के बीच वाला कोई आदमी नहीं है। हैचरी रेट से हैचरी से आपको बच्चे मिलने की वजह से पहली बात तो एकदम आपको फ्रेश चिक्स मिलेगा, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डैमेजिंग नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको फ्रेश अगर चिक्स चाहिए बटेर के या फिर अगर लावा पोल्ट्री फार्मिंग करते समय किसी भी प्रकार की अगर गाइडेंस चाहिए तो समीर जी को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, डिस्प्ले पर आपको उनका नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक पोल्ट्री का और उसी तरीके से समीर जी के थ्रू लावा या फिर बटेर के वीडियो लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।